हाँ तो क्लास, यहाँ पर मेरे पास दो तरह के आपके क्या है बेटा, लिटमस पेपर है। क्या है? लिटमस पेपर। एक है बेटा ब्लू लिटमस पेपर और एक क्या है? रेड लिटमस पेपर। अब इस चीज से हम ये डिटेक्ट करेंगे कि क्या किस बीकर में आपका एसिड है और किस बीकर में बेस है। ठीक है, अब जरा समझना बेटा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या यूज किया बेटा? ब्लू लिटमस पेपर। क्या यूज किया है? ब्लू। अब जरा समझना आपको ये है बेटा कि ब्लू लिटमस जो होता है वो आपका जिस भी चीज में मैं डिप करूंगा, यानी कि जिस भी सैंपल में मैं अगर मैं डिप करता हूँ तो ये आपको कैसा देगा बेटा? अगर ये आपको कैसा देता है? रेड लिटमस देता है। तब ये क्या बताएगा? एसिड को बताएगा। और बेटा ये अगर मैं बेस में डिप करूंगा ना तो इट हैज नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जरा देखते हैं पहला सैंपल दूसरा सैंपल। ठीक है, तो पहला सैंपल क्या था? बेस वाला था ना। अब जरा समझना, क्या आपको कोई चेंज मिला? मिला क्या? नहीं मिला ना। चलिए ठीक, अब दूसरा इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है? फिर से मैंने ब्लू लिटमस लिया। पहला सैंपल क्या था? नो चेंज, डेट मीन्स वो क्या हो सकता है? बेस। क्या होगा? बेस। अब इसको जरा टेस्ट करते हैं, चेंज हुआ क्या? किसमें चेंज हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रिप ब्लू है और ये क्या है? रेड है। इसका मतलब ये है कि ये सैंपल कौन सा है? कौन सा है? वेरी गुड। अब यहाँ पर दो कैंडिडेट और आ जाएं, कौन आना चाहेगा? हाँ, अब पहले वाले में जरा डिप करो दोनों लोग। कोई चेंज आया? अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा स्ट्रिप पकड़ो इसको। अब ये दूसरे वाले में कुछ चेंज आया क्या? कैसा चेंज आया? रेड आया। इसका मतलब दूसरा वाला मीडियम क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड। कट।